सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के दूधपुरा बाजार में रविवार को दिन दहाड़े बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने 40 वर्षीय एक किराना दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आनन-फानन में स्वजनों ने पुलिस को सूचित करते हुए जख्मी को दूधपुरा बाजार के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही SDPO सहियार अख्तर के निर्देश पर हसनपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार के साथ साथ अन्य तीन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा दूधपुरा के स्वयंसेवक 40 वर्षीय मुकुंदलाल रविवार को अपने किराना दुकान चला रहे थे। इसी बीच दिन के करीब 11:45 बजे एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश अज्ञात अपराधी पहुँचा। तीन में से दो अपराधी बाइक के नीचे उतरकर दुकान पर पहुंचा और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। गोली मारने के बाद दोनों अपराधी पुनः बाइक पर सवार होकर रोसरा की ओर भाग निकले। अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक गोली मुकुंद के सिर में लग गई, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। दुकान पर मौजूद ग्राहकों द्वारा शोर मचाने पर आसपास के जुटे लोगों ने जख्मी किराना व्यवसायी को प्राथमिक उपचार के लिए बाजार के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर स्थिति देख चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेगूसराय रेफर कर दिया।